सियाराम। महामंडलेश्वर पूज्य श्री कृष्ण साहजी विद्यार्थी महाराज, पूज्य संत चरण, बहनों और भाइयों, हम सबको मालूम है कि 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे। देश भर से, पूरे भारत से केवल 136 संत, कितने, 136 वहां गए थे। और हम सबके लिए आनंद की बात थी कि उन 136 संतों में महाराज जी भी शामिल थे। उस मंदिर बनाने का संकल्प हम सबका है और वो मंदिर बने, राम जी का मंदिर बने, तो राम जी की कथा जिन्होंने हमको बताई उनका क्या स्थान होगा वहां पर। तो अभी जब अभियान शुरू किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन जी भागवत, वो यहाँ जो पंचकुइया रोड पे मंदिर है भगवान वाल्मीकि का, जहाँ महात्मा गांधी ठहरते थे, जहाँ के आप महामंडलेश्वर हैं, उस मंदिर में गए। उस मंदिर में पूजन के बाद में महाराज जी से कहा कि आप भी समर्पण करिए। महाराज जी ने भी किया और महाराज जी ने एक सवाल पूछा मोहन जी से। महाराज जी ने पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो जिन्होंने राम कथा हमको बताई, जिन्होंने सीता जी का माँ और पिता की तरह पालन किया, जिन्होंने लव और कुश को राजकुमारों की शिक्षा दी, जो त्रिकालदर्शी थे, जो आदि कवि थे, अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भगवान वाल्मीकि कहाँ होंगे, ऐसा पूछा। महाराज जी ने पूछा था तो मेरे बाद महाराज जी बोलेंगे तो वो बताएंगे कि मोहन जी ने उनको क्या बताया। पर आप सबको इस बार की 26 जनवरी ध्यान है ना, 26 जनवरी को राम मंदिर की झांकी थी, उस झांकी को कौन सा पुरस्कार मिला है, और उस झांकी में जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है, उस पूरे भव्य मंदिर के आगे के भाग में एक बड़ी ऊंची मूर्ति भगवान वाल्मीकि की थी। रामायण कथा लिखते हुए थी वो पूरी की पूरी कथा जो भगवान वाल्मीकि ने लिखी है, वो अयोध्या में राम मंदिर के पीछे जो एक बड़ा म्यूजियम बन रहा है उसमें भी हम दिखाएंगे। दोनों एक ही हैं, भगवान राम, भगवान वाल्मीकि, एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता। भगवान वाल्मीकि नहीं होते तो राम की कथा हमें पता ही नहीं होती। भगवान राम भगवान है ये हमको भगवान वाल्मीकि ने बताया, सो पता है। तो उनका मंदिर बन रहा है, ऊंचा बन रहा है, भव्य बन रहा है, 3 मंजिला बन रहा है, पत्थर का बन रहा है, पर हम सब बना रहे हैं उसको। भारत की 130 करोड़ जनता बना रही है। तो भाई हम आपसे कहेंगे, आपका मंदिर है, हमारा मंदिर है, हम मिलके बनाएं तो क्या करना होगा, तो कुछ पैसा भी देना होगा, है ना, कितना दे सकते हो। तो हमारे पास में 10 रुपए का भी कूपन है, 10 रुपए दो, परिवार के सब लोग मिलके देना चाह रहे हो, घर में 5 जने 6 जने सबके सब हाथ लगा के 100 रुपया दो, ज्यादा देना है ज्यादा दो, पर 10 रुपए भी दोगे 100 रुपए भी दोगे तो एक कूपन मिलेगा। उस कूपन पर भगवान राम का भी चित्र है और भगवान और मंदिर का भी चित्र है, भगवान राम का और मंदिर का चित्र है। उसको कहाँ रखो, पूजा में रखो, है ना। तो आपके पैसे से, आपके 10 रुपए से, आपके 100 रुपए से भगवान का मंदिर बनेगा और वो कूपन
माने राम और मंदिर आपके घर में भी रहेंगे। आज इसी के लिए हम आपके पास आए, हम सब मिलकर चलेंगे। महाराज जी के उद्बोधन के बाद में महाराज जी स्वयं हमारे साथ में थोड़ी जगह चलेंगे, सब घर खटखट आएंगे, सबको जगाएंगे। अपना मंदिर बन रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है, हमारा मंदिर बन रहा है, पूरे हिंदू समाज का मंदिर बन रहा है। श्रद्धा से दो, माथे से लगा कर दो, घर के सब लोग हाथ लगा के दो। और फिर ध्यान रखना, जब मंदिर पूरा हो जाएगा ना, और फिर जब आप जाओगे, बच्चे भी साथ में होंगे, तो मंदिर में भगवान जी के दर्शन करोगे रामलला के, और जब वहां से उठोगे तो दोनों बच्चों को हाथ लगा के सिर पर क्या कहोगे, कहोगे बछवा विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे और ये मंदिर बनाने के लिए मैंने भी पैसे दिए थे। रामचंद्र भगवान की जय। इस जय, बस इसी काम के लिए मैं आज आया हूं, इसी काम के लिए पूज्य संतों को आशीर्वाद मांगा है। यहां से हम सब चलेंगे, पर एक बात मुझे बता दो बस, जब हम सब साथ चलेंगे तो आगे किसने रहना चाहिए? तो अगर कोई जना ऐसा हो जो सोचे फोटो खींच रहा है मैं दौड़ के आगे निकल जाऊं, अच्छा नहीं होगा ना। तो महाराज जी को आगे रखना। और आजकल फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं ना, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, धक्का देते हैं। तो ध्यान रखना है, फोटो खिंचवानी है ना, फोटो अलाउड है, पर ऐसे नहीं करना कि धक्का लगे, है ना। सब घरों में खटखटाना, जो जितना दे उतना लेना, महाराज से आगे नहीं निकलना, उनके पीछे रहना। हाँ, एक ग्रुप बनेगा जो आगे वाले चार चार घरों में पहले से खटखट करेगा, वो आगे निकलेगा, बाकी हम सब लोग पीछे चलेंगे, भगवान वाल्मीकि की जय बोलते हुए करेंगे और सीता राम जी की जय बोलते हुए करेंगे। ये जो श्री राम बोलते हैं ना, इसमें श्री शब्द जो है ये सीता जी के लिए, तो जय श्री राम बोलो तो सीता राम जी हो गए, जय सिया राम बोलो तो सीता राम जी हो गए। राम अकेले वर नहीं दे सकते ना, सीता जी साथ रहेंगी तो देंगे। हनुमान जी को अजर अमर होने के लिए किसने वरदान दिया था? राम जी ने नहीं दिया था, सीता माता ने दिया था, अशोक वाटिका में दिया था। अमर भी हैं, अजर भी हैं, बूढ़े नहीं होंगे कभी, हमेशा वैसे ही ताकतवर रहेंगे। तो हनुमान लला को अपने मन में धारण करो, राम जी को धारण करो, सीता माता को बिठाओ, भगवान वाल्मीकि का स्मरण करो और इस बात का आनंद मनाओ कि भगवान का काम करने के लिए हमको साथ चलने का मौका मिल रहा है। हम नहीं चलेंगे तो भी होगा, है ना, भगवान के खजाने में कोई कमी है? ये तो हमारी किस्मत है ना कि हम चलेंगे। तो आप सबको निमंत्रण देता हूं, इस कार्यक्रम के बाद में हम सब मिलके साथ चलेंगे और महाराज जी का उद्बोधन होना है। हम तो सबको सुनना चाह रहे थे, पर सबको सुनेंगे तो पैसा लेने का समय नहीं बचेगा, इसलिए सबकी ओर से मैं महाराज जी को कहूंगा बोलने के लिए। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय, जय श्री राम, जय।